आज मैं बनाने जा रही हूँ आम का मीठा चटपटा अचार। इसे ना तो धूप में सुखाना पड़ता है और ना ही कोई झंझट, फटाफट से ये अचार बनकर तैयार हो जाता है और इसे आप एक साल तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम, मेरे किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में लगी बेल की बटन को दबाकर ऑल पर प्रेस करें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आम का मीठा अचार बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 किलो कच्चे आम लिए हैं। आम हमें ज़्यादा खट्टे वाले नहीं लेने हैं। इसे अच्छे से वाश करके फिर कपड़े से पोंछ लिया है, जिससे आम में पानी ना लगा रहे। अब इसके डंठल को कट कर लेंगे और इसका छिलका उतार लेंगे। तो इस तरह से मैंने सभी आम के छिलके उतार लिए हैं। अब इनको पीसेज में कट कर लेंगे। इसकी गुठली हमें निकाल देनी है, सिर्फ गूदा को ही कट करना है। हम इसे लंबाई में कट करेंगे क्योंकि मैंने जो आम लिया है वह काफ़ी बड़ा है, तो मैं इसे बीच से भी कट करके थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ। ऐसे ही सभी आम कट कर लेने हैं। आम को मैंने जाली में रख दिया है, इसके नीचे एक थाली रख दी है। अब इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच नमक डालकर मिक्स कर देंगे। अब इसे 2 घंटे के लिए ऐसे ही स्ट्रेनर में फैला कर रख देंगे। नमक डालने से इसमें पानी निकलेगा, इसीलिए नीचे थाली रखी है जिससे पानी थाली में झड़ जाए। 2 घंटे बाद आम ने पानी छोड़ दिया है। आप देख सकते हैं नीचे थाली में इतना सारा पानी इकट्ठा हुआ है। अब हम लेंगे 1/4 चम्मच कलौंजी, इसे मंगरेल भी बोलते हैं, 1/4 चम्मच अजवाइन, 1/4 चम्मच मेथी दाना, 1/4 चम्मच हींग, 1/4 चम्मच जीरा, 1 चम्मच भरकर सौंफ, 3-4 साबुत लाल मिर्च, इसे मैंने तोड़ कर लिया है। अब गैस पर एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रख देंगे और गैस ऑन कर देंगे। अब इसमें 3 टेबल स्पून तेल डाल देंगे। जब तेल गर्म हो जाए तब हम इसमें सभी मसाले डाल देंगे और थोड़ा भून लेंगे। जब मसाले हल्के से ब्राउन हो जाएं, तब हम इसमें कटे हुए आम डाल देंगे। इसे चलाते हुए 7 से 8 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। आम को हमें तब तक भूनना है जब तक कि यह थोड़े सॉफ्ट ना हो जाएं। 7 से 8 मिनट भूनने के बाद आम सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें 250 ग्राम चीनी डाल देंगे। 1 किलो आम में हमें 250 ग्राम चीनी डालना है। अब इसमें थोड़ा सा कलर लाने के लिए मैं थोड़ा सा गुड़ भी डाल रही हूँ। आप चाहें तो बिना गुड़ के भी बना सकते हैं। अब इसे आम के साथ मिक्स करेंगे। इसमें हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है और इसे ढककर भी नहीं पकाएंगे। ढककर पकाने से होगा ये कि भाप का पानी आम में गिरेगा तो आम खराब हो जाएगा। थोड़ी देर बाद आप देख सकते हैं चीनी मेल्ट हो गई है। अब इसे चलाते रहेंगे लगभग 7 से 8 मिनट। जब चीनी थोड़ी गाढ़ी हो जाए और इस तरह की कंसिस्टेंसी में आ जाए तब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद यह और भी थिक हो जाएगा। अभी हमारा आम का खट्टा मीठा चटपटा अचार बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब इसे शीशे के जार में भरकर रख देंगे। देखिए कितना यम्मी लग रहा है। इसे आप साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसे रोटी पराठा या फिर ऐसे ही खा सकते हैं। अगर आपको कभी लगे कि अचार खराब हो रहा है तो कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालकर इसे थोड़ा भून लीजिए, फिर ठंडा करके जार में भरकर रख दीजिए। वैसे यह खराब नहीं होता है। पानी लगे हाथ से या पानी लगे चम्मच से इसे ना निकालें तो यह हमेशा जो है सही रहेगा, खराब नहीं होगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खाते रहिए, खिलाते रहिए और एंजॉय कीजिए।